शहर में कोरोना वायरस की सूरत हाल खराब। 80 रोज के दौरान लाहौर में कोरोना के मरीजों की तादाद 12,881 हो गई। लाहौर में 80 रोज में कोरोना वायरस से 200 अमवात हो चुकी हैं। सरकारी और प्राइवेट अस्पतालों में कोरोना वायरस के 539 मरीज जेरे इलाज। कोरोना वायरस के 82 मरीज ICU और 37 वेंटिलेटर्स पर हैं। लाहौर पुलिस का एक और अफसर कोरोना वायरस के बायस शहीद। इंचार्ज CIA सिविल लाइंस आमिर डोगर कोरोना से दम तोड़ गए। आमिर डोगर को चंद रोज कबल कोरोना पॉजिटिव आने पर इत्तेफाक हॉस्पिटल मुंतकिल किया गया था। SSP ऑपरेशन फैसल शहजाद का भी कोरोना टेस्ट मुस्बत आ गया, घर में क्वारंटीन। दुबई दारुल हुकूमत में कोरोना के वार मजीद तेज होने लगे। महकमा हायर एजुकेशन भी कोरोना का नया हदफ बन गया। डिप्टी सेक्रेटरी और दो सेक्शन अफसरान समेत 8 अफसरान और मुलाजमीन कोरोना का शिकार। डिप्टी सेक्रेटरी कॉलेजेस और SO कॉलेजेस का टेस्ट भी मुस्बत आ गया। उधर असेंबली सेक्रेटरीट के मजीद 3 अफसरान की कोरोना रिपोर्ट मुस्बत आ गई। SMD के हॉस्टल में रिहाइश पजीर अरकान असेंबली के कोरोना टेस्ट मुस्बत आ चुके। MPA हॉस्टल ड्यूटी देने वाले ऑफिसर का कोरोना टेस्ट भी मुस्बत आ गया। लाहौर में कोरोना वायरस के 12,000 से ज्यादा मरीज हैं। लाहौर में कोरोना के तश्वीशनाक मरीजों की तादाद 119 है। वजीर सेहत पंजाब डॉक्टर यास्मीन राशिद की प्रेस कॉन्फ्रेंस बोली, अस्पतालों में अलामत वाले और तश्वीशनाक मरीज ही रख रहे हैं। लाहौर में 21,000 से ज्यादा लोगों के सैंपल्स लिए गए। लाहौरी जितना परहेज कर सकते हैं करें, मास्क लाजमी पहने। लॉकडाउन में नरमी के बाद मार्केट्स में रश बढ़ गया। हॉल रोड पर ताजरों समेत खरीदारों का रश, SOPs नजरअंदाज। हॉल रोड पर ना ही समाजी फासला और ना ही एहतियाती तदाबीर का ख्याल। ट्रैफिक भी मामूल से ज्यादा, डबल सवारी की खिलाफ वर्जी भी जारी। हफ्ता इतवार को मुकम्मल लॉकडाउन, 5 दिन कारोबार की इजाजत है। हुकूमती हिदायत पर मुकम्मल अमल दरामद किया जाएगा। DIG ऑपरेशंस राय बाबर सईद की गुफ्तगू, बोले शहरियों को घरों तक महदूद रखने की भरपूर कोशिश करेंगे। दुकानदार शाम 7 बजे तक कारोबारी सरगर्मियां जारी रख सकते हैं। कोरोना से पैदा होने वाले माली बहरान पर पंजाब को विफाक से 1 अरब 28 अरब के फंड ना मिल सके। सूबाई वजीर खजाना और सेक्रेटरी खजाना की जानिब से लिखे गए खतूत के बावजूद फंड ना मिले। नेट हाइडल प्रॉफिट की मद में 40 अरब, महकमा खुराक को गंदम की मद में 31 अरब रुपए के बकाया जात ना मिले। पंजाब रेवेन्यू अथॉरिटी को क्रॉस टैक्सों की मद में 24 अरब रुपए के बकाया जात ना मिल सके। मैट्रिक के तलबा के लिए इंतजार की घड़ियां खत्म। 15 जून से पेपर्स की मार्किंग का आगाज होगा। मार्किंग सेंटर्स में कैमरे लाजमी लगाने की हिदायत। सिर्फ बड़े हॉल्स वाले इम्तहानी सेंटर्स में ही मार्किंग होगी। हर इम्तहानी सेंटर में हाथ धोने के लिए पानी साबुन फराहम करना लाजमी होगा। महकमा स्कूल्स ने कोरोना SOPs के तहत स्कूल खोलने के लिए 7 अरब मांग लिए। रकम से मास्क, सैनिटाइजर्स और दीगर हिफाजती सामान खरीदा जाएगा। महकमा खजाना ने अगले माली साल के बजट में एक ग्रांट शामिल कर ली। ग्रांट से तमाम स्कूल्स के बच्चों को कोरोना से बचाव का सामान दिया जाएगा। पंजाब के सरकारी कॉलेजेस में ऑनलाइन क्लासेस शुरू करने का फैसला। सरकारी कॉलेजेस में BS ऑनर्स और सेकेंड ईयर की क्लासेस ऑनलाइन होंगी। क्लासेस का इजरा केबल TV, व्हाट्सएप और मोबाइल ऐप से किया जाएगा। DPI कॉलेजेस पंजाब डॉक्टर आशिक हुसैन ने डायरेक्टर कॉलेजेस का इजलास तलब कर लिया। LDA ने तामीराती कामों के लिए लाहौर को 4 बराबर हिस्सों में तकसीम कर दिया। शुमाली, जनूबी, मशरकी, मगरबी जोन कायम तामीराती स्कीम्स के अतबार से तकसीम किए गए। हर जोन के लिए खसूसी 8 करोड़ का बजट मख्तस किया गया। मख्तस बजट शहर के नज़रअंदाज इलाकों के पैच वर्क के लिए इस्तेमाल किया जाएगा। मेट्रोपोलिटन कारपोरेशन के 50 करोड़ की 3 मेगा तरक्याती स्कीम्स की सुनी गई। कमिश्नर लाहौर ने शहर के 3 मेगा तरक्याती मंसूबों की एडमिनिस्ट्रेटर अप्रूवल दे दी। 3 मेगा प्रोजेक्ट्स पर फिलहाल वर्किंग की इजाजत ना मिल सकी। 19.5 करोड़ की लागत से LDA स्लाइड्स की खरीदारी की मंजूरी दे दी गई।
सुई नॉर्दर्न गैस कंपनी लाहौर रीजन का घरेलू कनेक्शन लगाने का काम शुरू ना हो सका। 3 माह गुजरने के बावजूद कनेक्शन फराहम करने पर काम शुरू नहीं किया जा सका। कंपनी के पास मीटर्स खत्म होने की वजह से कनेक्शन की तंसीब ना हो सकी। ओगरा ने कंपनी के लाहौर रीजन को 50,000 के करीब कनेक्शन लगाने का हलफ किया था। आटे की कीमत को कंट्रोल करने के हुकूमती दावे धरे के धरे रह गए। शहर में आटे का 20 किलो का थैला 925 रुपए में फरोख्त होता रहा। हुकूमत रिलीफ की बजाय तकलीफ दे रही है, शहरी परेशान। पाकिस्तान फ्लोर मिल्स एसोसिएशन के रहनुमा अब्दुल रऊफ मुख्तार कहते हैं, आटे की कीमत में इजाफा ओपन मार्केट में गंदम की बढ़ती हुई कीमत के बायस किया। शहर के मारूफ पब्लिक पॉइंट्स पर पब्लिक टॉयलेट की तामीर का मंसूबा सुर्ख फीते की नजर। मेट्रोपॉलिटन कॉरपोरेशन ने वर्किंग पेपर तैयार कर लिया, लेकिन 4 माह में कोई पेशरफ नहीं हो सकी। मंसूबे के लिए 1,49,00,000 का तखमीना लगाया गया था। पंजाब फूड अथॉरिटी का मिलावटी दूध माफिया के खिलाफ क्रैकडाउन। लाहौर कसूर रोड पर पूरी रात नाकाबंदी। 5,200 लीटर मजरे से दूध तल्ख। दूध बरदार गाड़ियों में मौजूद 13,400 लीटर दूध की चेकिंग की गई। कस्टम्स इंटेलिजेंस का स्मगल शुदा गाड़ियों के खिलाफ क्रैकडाउन। बीएमडब्ल्यू और प्रीमियम कार कब्जे में ले ली। बीएमडब्ल्यू कार वॉल्टन से, प्रीमियम कार काहना से कब्जे में ली गई। जब्त की गई कार्स की मालियत 80 लाख रुपए से ज्यादा है। सुई नॉर्दर्न गैस कंपनी लाहौर रीजन की टास्क फोर्स का इस्लामाबाद में छापा। छापे के दौरान 12 घरों में गैस चोरी पकड़ी गई। सप्लाई लाइन से बाईपास निकालकर गैस चोरी की जा रही थी। छापामार टीम ने गैर कानूनी पाइपलाइन उखाड़ कर कब्जे में ले ली। चीफ जस्टिस लाहौर हाईकोर्ट ने 6 हफ्तों में तमाम जेर अल्तवा अपील्स के फैसले का हुक्म दे दिया। जुडिशियल अकेडमी में ऑनलाइन तरबियती कोर्स के इफ्तिताही सेशन से खिताब। बोले, जजेस की तरबियत, काउंसलिंग और इसलाह वक्त का अहम तकाजा है। सेशन जजेस मुकदमे के हर पहलू और मरहले पर नजर रखें। आमदन से ज्यादा साजात के तहत शहबाज शरीफ की नैब पेशी का मामला। अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ का नैब में पेश होने के बजाय जवाब दायर। शहबाज शरीफ के नुमाइंदे मोहम्मद फैसल पेश, तफसीली जवाब जमा करवाया। शहबाज शरीफ हाईकोर्ट में कबल गिरफ्तारी जमानत की तारीख न मिलने पर पेश नहीं हुए। शहबाज शरीफ पर आमदन से ज्यादा साजात पर मनी लॉन्ड्रिंग के इल्जाम। नैब तलबी के रोज मियां शहबाज शरीफ की हाईकोर्ट में जमानत कबल गिरफ्तारी की दरख्वास्त समाप्त के लिए मुकर्रर ना हो सकी। जस्टिस मोहम्मद तारिक अब्बासी और जस्टिस फारूक हैदर पर मुश्तमिल 2 रुकनी बेंच कल समाप्त करेगा। कानून के मुताबिक नहीं चलना तो नैब बंद कर दें, मैं भी किसी को जवाब दे हूंगा। अगर ऐसा है तो मुझसे ये केस ट्रांसफर करवा लें। पैरागॉन हाउसिंग सोसाइटी रेफरेंस पर समाप्त के दौरान अदालत के रिमार्क्स। कैसर अमीन बट हर पेशी पर मेडिकल रिपोर्ट भेज देते हैं, ऐसा नहीं चलेगा। अदालत ने 17 जून को कैसर अमीन बट को शहादत रिकॉर्ड करवाने के लिए पाबंद कर दिया। रेफरेंस की समाप्त 17 जून तक मुलतवी। ख्वाजा बरादरान ने अपनी हाजिरी मुकम्मल करवाई। पंजाब असेंबली के 5 जून के इजलास के लिए इंतजामात मुकम्मल। स्पीकर चौधरी परवेज इलाही का फ्लैडीज होटल में कायम असेंबली हॉल का दौरा। स्पीकर चौधरी परवेज इलाही का इंतजामात पर इत्मीनान का इजहार। उधर अपोजिशन लीडर हमजा शहबाज शरीफ के प्रोडक्शन ऑर्डर जारी। हमजा शहबाज 5 जून से शुरू होने वाले पंजाब असेंबली के इजलास में शिरकत करेंगे। कैप्टन रिटायर्ड सफदर के खिलाफ आमदन से ज्यादा साजात केस का मामला। वजीर आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार से चीफ सेक्रेटरी जवाद रफीक की मुलाकात। गुड गवर्नेंस और आवाम को बेहतरीन सर्विसेज की फराहमी के अमूर पर तबादला ख्याल। चीफ सेक्रेटरी ने कोरोना टिड्डी दल, गंदम खरीदारी और बजट पर ब्रीफिंग की। कश्मीर में मोदी ने जुल्म की इंतहा कर दी। आलमी दुनिया को कश्मीरियों पर जुल्म से आगाह किया जाएगा। गवर्नर पंजाब चौधरी मोहम्मद सरवर की मीडिया से गुफ्तगू। बोले, कश्मीरियों की जदोजहद को आलमी सतह पर भी उजागर कर रहे हैं। दूसरी जानिब गवर्नर पंजाब के यूरोपीय पार्लियामेंट के अरकान से राबते रंग ले आए। यूरोपीय पार्लियामेंट के नायब सदर फाबियो कास्टाल्डो ने अपने सदर को तहरीरी दरख्वास्त दी।
सदर पीटीआई पंजाब एजाज चौधरी की तबीयत नासा। सदर पीटीआई पंजाब एजाज चौधरी की हमीद लतीफ हॉस्पिटल में एंजियोग्राफी। डॉक्टर्स ने सदर पीटीआई पंजाब एजाज चौधरी को आराम का मशवरा दे दिया। सूबाई वजीर सेहत का मदर एंड चाइल्ड अस्पताल और गर्ल्स हॉस्टल की साइट्स का दौरा। प्रो वाइस चांसलर फातिमा जिन्ना मेडिकल यूनिवर्सिटी प्रोफेसर डॉक्टर आमिर जमान खान हमराह थे। वाइस चांसलर ने सूबाई वजीर सेहत को तरक्याती मंसूबों पर जारी पेशरफ से आगाह किया। रहनुमा पीपल्स पार्टी सैयद उमर शरीफ बुखारी के वालिद जस्टिस रिटायर्ड सैयद शरीफ हुसैन बुखारी की नमाज जनाजा अदा कर दी गई। जजेस सियासी और समाजी शख्सियात ने शिरकत की। यूएचएस की जानिब से मेडिकल सप्लीमेंट्री इम्तहानात मुलतवी होने पर तलबा बरहम। कहते हैं अस्पतालों में हाउस ऑफिसर की शदीद कमी है। मतदार हाउस ऑफिसर कोरोना मरीजों के लिए खदमात सर अंजाम देना चाहते हैं। साल ज़ाया होने से बचाने के लिए इम्तहान का इनेकाद किया जाए। और लाहौर में आइंदा 24 घंटों में बारिश की पेशगोई। महकमे मौसमियात के मुताबिक शहर में पूरा हफ्ता मौसम मुतदल रहेगा। दर्जा हरारत 40 डिग्री सेंटीग्रेड से नीचे रहेगा। एक हफ्ते बाद लाहौर में गर्मी की शदीद लहर दोबारा आएगी।